क्या गिरा? वो मेरे पानी का गिलास गलती से गिर गया, सॉरी अम्मा जी। मेरे पास एक घड़ी है, रात 12 बजते ही मैं कुल्फी को लेकर तुम लोगों के रूम के बाहर आ जाऊंगी। मेरे इशारे पर रेडी स्टडी को हो जाना चाहिए। क्या पनिशमेंट लेके आए हो मेरे लिए? बेटी से मिलने के लिए मुझे अभी क्या करना पड़ेगा? अब मैं तुमको सजा नहीं दूंगा। नहीं नहीं दोगे? मतलब तुमने माफ कर दिया क्या मुझे? कितना हम कोई नहीं है, हम सिर्फ कठपुतलियां हैं। ना सजा हमारे हाथ में, माफी। बंदा जो करता है ना वो सब देखता है और होता हो गई है जो उसकी मर्जी होती है। सिकंदर क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना? क्योंकि मैं पहले भी मजबूर था, आज भी मजबूर हूं। मैं कौन होता तुम्हें सजा देने वाला? उसने खुद तय कर ली तुम्हारी सजा। ऐसी सजा जो किसी माँ को ना मिले दुनिया में। क्या क्या सिकंदर, क्या तुम क्या बोल रहे हो? डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, दवाइयां काम नहीं कर रही है, हमारा नहीं बचा पाएंगे। भैया
कुत्ता जी, ये सब मेरे दोस्त हैं, तो आपके भी दोस्त हैं। दोस्तों को दांत नहीं दिखाते। हम सारे भाग रहे हैं, कोई आए तो हमें बता देना। चंगा जी, आराम नाल बैठो जी। थैंक यू। चलो चलो चलो, नहीं काटेंगे, आ जाओ। कोई भी जल्दबाजी मत करना, धीरे धीरे आराम से चढ़ना। फिक्र मत करो, मैं नीचे से टॉर्च मारते रहूंगा, अंधेरे से घबराना मत। कुल्फी, तुम पहले जाओ। कोई गड़बड़ नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी कुल्फी, तू डरना मत, हम सब तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तू बस ऊपर चढ़ती जा। चूहा, अभी भगाती हूँ। मेरा को कुछ हो गया, मैं मर जाऊंगी। नहीं, मैं जीना पड़ेगा, अपना गुस्सा और इज्जत का जो नतीजा देखने के लिए। समझी तुम, तुम्हारी बच्ची तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी के तरस रही है ना, उसके जाने के बाद उसकी याद के लिए तुम तरसोगी मौत के लिए, पर जिंदा रहोगी, जिंदा रहोगी तुम। हमेशा सही कहते थे तुम, अपने ईगो के लिए अपनी बेटी को यूज किया। मैं कितनी बुरी बीवी हूँ, मैं उससे भी बुरी माँ हूँ। मैं मुझे लगा मैं सब मायरा के लिए कह रही हूँ। जी हाँ जी, ये बच्ची नहीं बचेगी तो मैं खोदने के ख्याल से मेरी सांसें रुक रही है सिकंदर। मैंने तुम्हें अपनी बच्ची से इतने दिन दूर रखा। मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख है अभी, ये मुझे समझ में आ गया है। तुम्हें थोड़ी खुशी दे सकती हूँ मैं सिकंदर, शायद एक अच्छे काम से मेरी बीवी को ब्लेसिंग मिल जाए और से कुछ हो। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कुल्फी कहाँ है। तुम्हें बता सकती हूँ तुम्हारी बेटी कहाँ है। जाओ अपनी बेटी को अपने पास ले आओ। Thank you.
अंजन! भूत, तू आज फिर से मुझ पर गुर्रा रहा है। जी अम्मा जी। राजन, आंखें मलना बंद करो और ले जाओ इसे। शायद अम्मा जाग गई, जल्दी करो। एक तो ये चूहों के शोर ने मेरी नींद उड़ा दी। बालक, कुत्ते, चूहे, सब के सब असभ्य। ये नहीं खुलेगी रॉकेट भैया, चिमनी की जाली वेल्डिंग हुई है, ये नहीं खुल रही है। फिर हम यहां से नहीं भाग सकते। सब वापस नीचे आ जाओ, पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा, जल्दी करो। शायद हम आ रही है, सब ऊपर ही रहना। यहाँ तो सब ठीक है, जरूर वो चूहे किसी और कमरे में है। सब नीचे आ जाओ। सारा काम बिगड़ गया, मैं पापा से कैसे मिलूंगी? शहर के बाहर एक को मत बताओ कुल्फी का है। उनको वापस लाना है मुझे, कुल्फी को ना लाना है। आपको उसको प्यार क्यों करना है राणा? आप तो मुझे प्यार क्यों नहीं कर सकते? बच्चा आपने तो कहा था कि अगर मैं पेन सहूंगी
तो मुझे मेरी नाना और अमर के लिए मिल जाएगी। मुझे इतना पेन हुआ लेकिन नाना तो अभी भी नहीं मिले। तो अभी भी कुल्फी कुल्फी कर रहे को बताओ कि मैंने गुड करके तरह आपकी बात मानी थी। आपने आपने मुझे हर चीज बताई। मैंने पी ली थी। इसको पता था कि तुम इसको इसको पिलाई वो पिलाई अच्छी ये डाटा पता था मुझको। इसीलिए हम दोनों ने ऐसा किया। क्यों किया? ताकि आप कुल्फी से दूर हो जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।